नमस्कार और स्टडी मेधा एकेडमी में आपका स्वागत है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लेसन 19 में आज हम लोग ई कॉमर्स के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी ज़रूर विजिट करिएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग जान लेते हैं कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स में जो ई लगा हुआ है शुरू में उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक। तो ई कॉमर्स हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट पर व्यापार करने का एक तरीका है। इंटरनेट का उपयोग करते हुए व्यापार करने का एक तरीका है। अब इसमें न सिर्फ इंटरनेट होता है बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी इसमें उपयोग में आते हैं जो भी कम्युनिकेशन करने के लिए काम आते हैं डिवाइसेस, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर दूसरे जो ट्रैकिंग डिवाइसेस हो गए। ये सारे के सारे डिवाइसेस और इंटरनेट, इनका उपयोग करते हुए जब व्यापार किया जाता है तो ये बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब इसके क्या फ़ायदे हैं वगैरह ये सब हम लोग देखेंगे अभी। तो ई कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना, बेचना, प्रचार प्रसार करना इत्यादि आता है। तो जैसे हम लोगों ने कोई एक साइट बनाई, उससे हमारे प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार भी होगा, पूरी दुनिया में लोग जानेंगे कि प्रोडक्ट क्या है, कैसा है और क्या कीमत है वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी दुनिया में लोगों को बताया जा सकता है। उस सामान को बेचने के लिए ऑर्डर लिया जा सकता है। ऑर्डर को जब शिप किया जाएगा, जब कुरियर द्वारा भेजा जाएगा प्राप्तकर्ता के पास, तो उसे ट्रैकिंग करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद जब सामान मिल जाएगा तो वो डेटा भी अपडेट किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे ये जो पहले चलता था, जो मैनुअली चलता था, जो हिसाब किताब की जैसे किसी दुकान पे जाना पड़ता था या फिर पोस्टर होर्डिंग या टीवी पे विज्ञापन वगैरह आ रहे हैं, इनसे लोगों को पता चलता था, ये सारी की सारी चीज़ें अब इंटरनेट के थ्रू हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इसलिए हो गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग है, इंटरनेट का उपयोग है। तो ई कॉमर्स के उदाहरण क्या हैं? ई कॉमर्स के उदाहरण हैं ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन टिकटिंग वगैरह वगैरह। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पहले हम लोग क्या काम करते थे, एक दूसरे को हम लोग करेंसी नोट्स देते थे, तो इससे हमारा पेमेंट होता था। एक और मोड था पेमेंट करने का, चेक। तो चेक भी जो है वो पेपर ही था, वो भी देते थे। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हो गए तो इसमें जो करेंसी नोट्स हैं उनका भी कोई उपयोग नहीं है और चेक्स का भी कोई उपयोग नहीं है। अब ये कैसा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पैसे को किस प्रकार से ट्रांसफ़र किया जा सकता है? इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। दोनों व्यक्तियों के पास बैंक में खाता हो और दोनों व्यक्तियों का इंटरनेट बैंकिंग चालू हो तो एक दूसरे के अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। या फिर अगर जिस व्यक्ति से हम सामान ले रहे हैं उसके पास अगर POS मशीन हो, जिसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट किया जा सकता है। वेबसाइट पे जब पेमेंट करते हैं तो वेबसाइट में कुछ छोटी सी डिटेल्स डाल के और पेमेंट किया जा सकता है, जैसे हमारे कार्ड की डिटेल्स वगैरह डाल के। और इसमें बहुत सारे जैसे पेयू मनी, बिल्डेस्क वगैरह, ये बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो इस पेमेंट को करवा देती हैं। उसके बाद UPI आ गया है, आजकल UPI आ गया है, तो अब सीधा अगर आपके बैंक अकाउंट के साथ आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो सीधा मोबाइल नंबर पे पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो वो पैसा पहुंच जाता है। तो बहुत ही आसान हो गया है आजकल पेमेंट करना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की सहायता से। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है वो ई कॉमर्स को और ईजी बना देता है, इससे किसी के नुकसान होने की संभावना नहीं रहती। पहले क्या होता था कि जैसे सामान भेज दिया, अब प्राप्तकर्ता को जब सामान मिला तब तक उसका या तो मूड बदल चुका था या तो प्राप्तकर्ता मिला नहीं,
या तो प्राप्तकर्ता को अब सामान नहीं चाहिए, कुछ सामान में फॉल्ट आ गया था इसलिए लौटाना पड़ा। तो ऐसे केसेस में क्या होता था, जो सामान भेजने वाले जो वेंडर होता था, जो सप्लायर होता था, वो उसका बड़ा नुकसान हो जाता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आने के बाद ये चीज़ों पर थोड़ा सा ब्रेक लग गया है कि पेमेंट एक बार आ जाता है तो ग्राहक भी सामान को थोड़ा सा सीरियसली लेता है, सामान उसके पास आता है तो उसको यूज़ करना चाहता है कुछ दिन। हाँ, अगर सामान उसके बावजूद 8-10 दिन का समय, मोस्ट जो कंपनीज़ हैं वो 8-10 दिन का समय देती ही हैं ताकि सामान को यदि ग्राहक लौटाना चाहे तो लौटा भी दे, तो लेकिन कुछ दिन तक उसको यूज़ कर ले, पहले समझ ले उस सामान को, उसके बाद वो चाहें तो लौटा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के बारे में मैं जैसे बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है वो काफ़ी पेमेंट को सुविधाजनक बना दिया है इसने। ई कॉमर्स के प्रमुख लाभ क्या हैं? इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने बाजार का विस्तार होता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि कोई जैसे प्रोडक्ट है जो एक लोकल लेवल तक बिकता है, लेकिन प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, बाहर के लोग भी उसे खरीदना चाहेंगे यदि उसके बारे में पता हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की सहायता से, ई कॉमर्स की सहायता से अपने बाजार को बढ़ाया जा सकता है, दूसरों को भी बताया जा सकता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, दूसरों को यदि पसंद आए तो लोग इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर पाएंगे, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे सामान उनको भेजा जा सकता है, पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में लिया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। तो इससे हमारा जो बाज़ार है, जितने क्षेत्र में हम अपने सामान को बेच सकते हैं, वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। हम देश विदेश में, दूसरे शहरों में ही नहीं, दूसरे स्टेट्स में, दूसरे देशों में अपना सामान बेच सकते हैं। ई कॉमर्स व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उन्हें तेज और कुशल बनाने में मदद करता है। इसी की हम लोग बात इतनी देर से कर रहे हैं। व्यापार की प्रक्रियाएं जो हैं वो काफ़ी सरल हो जाती हैं, पेपर वर्क बड़ा कम हो जाता है और तेज़ हो जाता है। ये तो आपने अभी तक हम यही बात ही कर रहे थे कि काफ़ी फास्ट हो जाता है ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट वगैरह बड़े फास्ट हैं, सामान को शिपिंग कर रहे हैं, बस शिपिंग का ही जो समय है वो लगता है, और कुशल भी हो जाती हैं, सारा डेटा जो है वो मेंटेन रहता है, कोई भी चीज़ आप ट्रैक करना चाहें, सामान को ट्रैक करना चाहें, बड़े इजीली कर सकते हैं। ई कॉमर्स कागज़ का उपयोग बहुत कम कर देता है। कागज़ का उपयोग मेरे ख्याल से नाम मात्र का उतना ही होता है जितना सामान की पैकेजिंग में होता है, और उसकी बिलिंग विलिंग जो साथ में दे देते हैं उस पैकेजिंग के साथ, उतना ही कागज़ का इस्तेमाल है, बाकी कोई कागज़ का इस्तेमाल नहीं है, और सारा डेटा आपका संधारित रहता है। यह उत्पादों की लागत कम करने में मदद करता है। ये इसलिए कम हो जाता है क्योंकि इसमें कई मीडिएटर्स हट जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्शन कंपनी होती है वो खुद ही सामान को बेच देती है, इसमें जो मीडिएटर्स रहते हैं, जो जिन्हें हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जो बीच वाले सप्लायर्स रहते हैं, एजेंसीज रहते हैं, इनकी जो है ज़रूरत बड़ी कम हो गई, तो इस वजह से जो है कॉस्ट कम हो जाती है, जो बीच का कमीशन होता है वो कंपनी को लेना नहीं पड़ता और थोड़ा सस्ते में सामान मिल सकता है। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है। अब ई कॉमर्स जो है वो भी कई प्रकार का है। पहला है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे B2B ई कॉमर्स। इसके अंतर्गत आएंगे सप्लायर्स, आएंगे ट्रेडिंग होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, जो दो बड़े बिजनेस आपस में करते हैं। आपस में जैसे रॉ मटेरियल लेंगे तो ये सप्लाईज वाला काम हो गया, आपस में कुछ ट्रेड करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स के अंतर्गत आएंगी। फिर दूसरे प्रकार का होता है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, ये सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला और सबसे ज़्यादा जरूरी भी यही है। इसमें ऑनलाइन सेल्स और एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो ऑनलाइन सेल जो है वो मुख्य रूप से यही रीढ़ की हड्डी है पूरे ई कॉमर्स की। तो ऑनलाइन सेल्स जो है वो बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत एडवर्टीजमेंट भी आता है ताकि पब्लिक को पता चले, कंज्यूमर को पता चले कि सामग्री क्या है और उसके क्या फीचर्स हैं, ये सब चीज़ें जो है वो पब्लिक को भी बताने का जरिया हो जाता है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स। तो ये हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C ई कॉमर्स। फिर आता है कंज्यूमर टू बिजनेस, ये उल्टा होता है ना, C2B ई कॉमर्स। इसमें होता है ऑफर्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और फीडबैक। इसमें क्या होता है, जैसे कंज्यूमर जो है वो अपना कोई फीडबैक देना चाहता है, कंज्यूमर कोई चीज़
कंपनी को ऑफर करना चाहता है, अपनी कोई सर्विस देना चाहता है, यहाँ पे ये कंज्यूमर जो है वो बिजनेस, कंज्यूमर से बिजनेस की ओर ऑफर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स, यानी सी टू बी ई कॉमर्स। इसके अंतर्गत आ जाता है ऑफर्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज या फीडबैक। फिर आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, इसके अंतर्गत आते हैं ऑक्शंस या क्लासिफाइड एड्स वगैरह। तो ये ई कॉमर्स के प्रकार हो गए बी टू बी, बी टू सी, सी टू बी और सी टू सी। ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे amazon.in, ये भारत में काफ़ी पॉपुलर है, इससे आप बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं। flipkart.com, ये भी बड़ा ही पॉपुलर है। myntra.com, खास तौर से ये अपैरल्स के लिए, कपड़ों के लिए था, लेकिन आजकल बहुत सारा सामान इसमें मिलता है, बहुत अच्छी। ebay.in, ये मुख्य रूप से अपने पुराने सामान बेचने के लिए एक ज़माने में था, लेकिन काफ़ी कुछ आज बहुत ही विस्तार हो गया है ebay.in का। फिर snapdeal.com, ये इसमें भी बहुत सारा सामान मिलता है। जबोंग, शॉप क्लूज, ये कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं, पहले सामान देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, इसका पूरा स्टोर सर्च कर सकते हैं, आप सामान के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इनके कॉल सेंटर पर भी बात कर सकते हैं, सामान को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन रख सकते हैं, या फिर चाहें तो आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, सामान आपके पास घर पर आ जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि सामान आपको पसंद नहीं आया, मतलब उसमें रिटर्न पॉलिसी भी रहती है कि इतने दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, तो यदि आपको सामान पसंद नहीं आया तो आप सामान रिटर्न भी कर सकते हैं। तो बड़ा ही कन्वीनियंट तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से ये पूरा का पूरा काम होता है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो ये था ई कॉमर्स के बारे में। यदि आपको हमारा ये लेसन पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।